हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया, हमारी अपनी आर्थिक संकट थे उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया, 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री को हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज के लिए दिया गया और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवर्नर से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मींस एडवांसेस को उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए, हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज्यादा भी हमने वेज एंड मींस एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है। एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं, उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था वो सब उन्होंने किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए, तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है, 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले उनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है आप उसका ज्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, 2 महीनों में, उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज किया था मार्च महीने में और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं, उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है, 86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा। I move to the next one, which is also about the state governments and the extra borrowing limits that we are extending. Part of the borrowing will be linked to specific reforms. From 3 to 5 is the increase. From 3 to 3.5, unconditionally we extend.
The next 1%, which is up to 4.5%, we will release in four tranches of 0.25%, each one linked to each of the tranches linked to a clearly specified, measurable and feasible reform which is necessary as an action to be taken. And why do we want this linkage with reform, state level reform? Because we want to make sure that the poor benefit by all the monies which are getting borrowed, and we from the center and states are collectively committed to, for instance, implementing one nation